ऋषि बामदेव की नगरी बांदा में सावन की शुरुआत भोलेनाथ के जयकारों के साथ हुई। सावन में शिव की पूजा का विशेष महत्व है, यही कारण है कि आज सुबह से ही शिव भक्तों का तांता मंदिर में उमड़ पड़ा। भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव पर जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर मनोकामनाएं मांगी। बांदा के सबसे प्राचीन मंदिर में सुबह अंधियारी से ही भक्तों का जमावड़ा लग गया और भोले बाबा के जयकारों के साथ भक्तगण सावन के पहले दिन की शुरुआत करते नजर आए। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जो भी यहाँ प्रतिदिन शिव के दर्शन करता है उस पर कोई संकट नहीं आता और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तिवारी जी, आप हमें ये बताएं कि ये मंदिर कितने साल पुराना है और क्यों प्रसिद्ध है? ये मंदिर महर्षि बामदेव की तरफ से रामायण काल से भी प्राचीन है और यहाँ पर आप जो शिवलिंग देख रहे हैं, यह शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ है, मतलब किसी द्वारा स्थापित नहीं है, इसलिए यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप खुद देखा है गुफा के अंदर बैठे हुए शंकर जी, यहाँ सभी की मनोकामनाएं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि महर्षि वामदेव ने इस गुफा के अंदर आप जहाँ गए थे वहाँ तपस्या की थी, उन्होंने अपने तपोबल से शिवलिंग यहीं प्रकट किया था, इसलिए यहाँ ये बहुत प्रसिद्ध है। आज सावन का पहला दिन है, इसको लेकर मंदिर की तरफ से क्या तैयारियाँ की गई हैं? मंदिर की तरफ से पूर्ण तैयारी है, आप देख रहे हैं रेलिंग लगी हुई है, प्रशासन की जो व्यवस्था कर दी गई है, कल कुशाल साहब आए थे और अलग आने जाने का मार्ग बनाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, मास्क लगा कर अनिवार्य कर दिया गया है। भक्त साल में प्रत्येक दिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन पूरे सावन भर ये मंदिर भक्तों से खचाखच भरा रहता है। बम भोले के नारों और शंख की ध्वनि के साथ गुंजायमान शिव मंदिर की छटा देखते ही बनती है। मोनू जी, ये बताइए ये मंदिर कितना पुराना है और क्यों प्रसिद्ध है? ये मंदिर हम लोगों के पैदा होने से पहले, बाप दादाओं के पैदा होने से पहले का मंदिर है ये। यहाँ पे महर्षि बामदेव ऋषि ने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ की, उन्हीं के नाम पर इनका मंदिर का नाम पड़ा हुआ बामदेवेश्वर मंदिर। इनमें लोगों की क्यों आस्था है? ये बाबा हैं भोलेनाथ, सबके जानने वाले हैं इनको, सब लोग इनको पूजते हैं मन से, यही है। आज सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर क्या तैयारी है? सॉरी, पहला दिन है आज जी, तो इसको लेकर क्या तैयारियाँ की गई? यहाँ पे पूरी व्यवस्था पूरी सही ढंग से हो गई, साफ सुथरा हो गया है मंदिर, पूरा पूरी तरह से धुल दिया गया है, यहाँ पे पूरा पेंट सब हो गया, व्यवस्था पूरी क्लियर हो गई। कोरोना गाइडलाइंस का क्या यहाँ क्या पालन हो रहा है? यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन हो रहा है। और प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन तो व्यवस्था अभी नहीं आया, प्रशासन तो है नहीं यहाँ पे। आपको बता दें, ऋषि बामदेव का नाम शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने शिव को नहीं बुलाया तो बहुत से ऋषि जो कि शिव भक्त थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर दक्ष ने कहा कि जो शिव का अनुयायी है वह यज्ञ से चला जाए। दक्ष के ये कहने पर अन्य कई ऋषि सहित बामदेव ऋषि भी उस यज्ञ से लौट आए थे। इसके अलावा रामचरितमानस में भी ऋषि बामदेव का उल्लेख मिलता है। ऋषि बामदेव भगवान श्री राम की बारात में सम्मिलित हुए थे और जनकपुरी गए थे। बांदा स्थित शिव मंदिर अति प्राचीन है और इसका पौराणिक महत्व भी है। ऋषि बामदेव ने बांदा के पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिस शिवलिंग को आज भी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।